ऑटो सी बाईपास पुलिस ने किया 116 बोतल विदेशी शराब बरामद। बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर रविवार की देर शाम एक ऑटो से 116 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि तस्कर और लाइनर मौके से फरार होने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि झारखंड से तस्करी कर एक ऑटो से शराब की खेप लाई गई थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कजरेली बाईपास से ही पीछा करते हुए मधुसूदनपुर इलाके के रामपुर गाँव स्थित एक बगीचे से शराब लदा ऑटो जब्त कर बाईपास टीओपी लाया। बाईपास टीओपी लाया गया जहां पर ऑटो की जांच में रॉयल प्लेयर विदेशी ब्रांड के शराब 375 ml का 100 बोतल और 750 ml के 16 बोतल मिलाकर कुल 49.50 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। आज दिनांक 12/6/22 को एक गुप्त सूचना मिला कि एक बिना नंबर प्लेट के टेम्पो पे आज झारखंड से इंग्लिश लिकर जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे शहरी क्षेत्र में भागलपुर के, और इस गुप्त सूचना को सत्यापन किया गया और टीओपी बाईपास एसएचओ को त्वरित टीम में शामिल किया गया, उनसे सत्यापन किया गया और हमारी टीम ने इस टेम्पो का पीछा किया। और ये जो है टीओपी बाईपास के साइड से टेम्पो लाने वाला था, लेकिन उन्होंने जैसे ही पता चला कि पुलिस जो है उस टेम्पो के पीछे है, उन्होंने कजरेली का रास्ता अपनाया फुलवरिया से और वहाँ पे वो कजरेली के थ्रू जो है NH-80 पकड़ के ये रामपुर गांव है वहाँ पे पुलिस ने इसको एक बगीचे में दो लोग भागने में कामयाब रहे, एक लाइनर भी था उसमें, हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है उसको और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। ये रॉयल प्लेयर नाम का ब्रांड है और 49.5 लीटर जो है शराब बरामद हुआ है, 750 ml का 16 बोतल है और 375 ml का 375 ml का 100 बोतल इसमें रेड में पकड़ा गया है। कहाँ से चला था ये माल? देखिए झारखंड से चला था और जैसे ही गिरफ्तारी होगी इसका हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है जो हम लोग इसको एनालाइज करके त्वरित हम लोग गिरफ्तारी करें, चिन्हित कर लिया गया है कुछ लोग पे, हम लोग एक दो दिन के अंदर इनको अरेस्ट कर लेंगे। कारोबारी डाल तो पुलिस भी पत्ते पर नजर रखी हुई है, सफलता मिली है कैसे? बिल्कुल, ये देखिए रूट जो है वो हम लोग ने बहुत दिन हमारे जो भी क्षेत्र जो बाउंड्री वाले थाना है जो कि बांका और झारखंड से जो आता है रूट, उसको चिन्हित करने के लिए बहुत सारा गुप्तचर जो भी है वो भी तैनात किया गया है लोकल लेवल पे, तो उनके थ्रू जो गुप्तचर तैनात किया गया है और जो नशा मुक्ति नव चेतना जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके गाइडेंस में बहुत सारे गुप्तचर भी तैनात किए गए हैं और वो गुप्तचर जो है बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं और उसके द्वारा ये जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए आज ये दो तरह का है ना, 375 और 750। नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट, R9 भारत।